हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा मोबाइल एडिक्शन के बारे में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही बड़ी, आप कह लीजिए, बीमारी ही है और इसे हमें बचना है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि मोबाइल एडिक्शन क्यों होता है और हम इसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि ये मोबाइल का आविष्कार लगभग सन 2004 या 2005 में इंडिया में हुआ था। उससे पहले हो चुका था, लेकिन इतना मुझे डिटेल में नहीं मालूम, ना मुझे इतना डिटेल में जाना है, मुझे तो मेन टॉपिक की बात करनी है। तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, पहले हमारे पास बटन वाली मोबाइल आई, उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आए और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ग्रोथ करती गई, इम्प्रूवमेंट होता गया। और अब हमारे सामने सबको पता है कि कैसी मोबाइल में कितने सारे इम्प्रूवमेंट आ गए हैं, एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, सबको हम सबको पता है। लेकिन हम सबको ये नहीं पता कि हम मोबाइल के एडिक्शन, मोबाइल का जो एडिक्शन है वो उसके मतलब एडिक्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल के हम एक डब्बे के गुलाम होते जा रहे हैं। एक छोटा सा डब्बा है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना हम सो नहीं सकते, जिसके बिना हम वॉशरूम तक नहीं जा सकते, इवन इसके बिना हमें नींद भी नहीं आती। तो क्या ये एडिक्शन नहीं है? ये तो एक तरह का एडिक्शन ही हुआ ना, कि मोबाइल के बिना हमें नींद नहीं आ रही, मोबाइल के बिना हम सो नहीं पा रहे हैं, मोबाइल के बिना हम मतलब सुबह हमारी सुबह नहीं होती मोबाइल के बिना। मोबाइल जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें मोबाइल चाहिए, और हमें यहाँ तक कि वॉशरूम के लिए भी मोबाइल चाहिए। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा इशू है और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और इस इशू को हमें दूर करना पड़ेगा, इस बीमारी को हमें दूर करना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन में ये बीमारी और तेज़ी से फैलेगी और ये बीमारी हमें अंदर से खोखला करती चली जाएगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कहीं पे भी, किसी भी कहीं पे भी आप देखिए, हर कोई मोबाइल में बिजी रहता, कोई किसी से बात नहीं करता। इवन हम घर में भी देखें, मम्मी पापा अलग अपने मोबाइल, मम्मी अलग मोबाइल में बिजी है, पापा अलग मोबाइल में बिजी है, भाई अलग बिजी, बहन अलग बिजी है, कोई घर में एक दूसरे से बात नहीं करता। उसके बाद फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को पाइल्स हो रहा है। उस बीमारी के होने में एक मोबाइल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को, क्यों इसका रोल है, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, आप एक डब्बे के गुलाम होते जा रहे हैं। एक डब्बा जो है आपको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है, आपको अपने गोल्स पे काम नहीं करने दे रहा है, आपको नींद नहीं लेने दे रहा है। तो फिर क्या है ये? फिर अगर हम नींद नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और फिजिकल वर्क नहीं करेंगे अपने गोल्स के ऊपर, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, और उसके बाद ये जो है हमारे आँख को भी ख़राब कर सकता है, तो इससे हमारे नुकसान ही तो हैं, इससे फ़ायदा कहाँ है? फ़ायदा तो थोड़ा सा ही है, किसी से बात कर लिए, ज़रूरत इम्पॉर्टेंट की मतलब कोई इम्पॉर्टेंट बात हो गई तो इम्पॉर्टेंट बात कितनी होती है, 5 मिनट की 10 मिनट की कोई डील है समझ में आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो नुकसान ही है ना। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों, हमें मोबाइल एडिक्शन से बचने की ज़रूरत है। इस समय ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे बचने के लिए उपाय क्या क्या हैं? देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे बचने के लिए हमें खुद एफर्ट करना पड़ेगा, खुद के अंदर को ही। वो एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये कहावत सच है, ये किसी ने ऐसे ही नहीं किया, किसी ने ऐसे ही नहीं इस कहावत को कहा है, ये कहावत बिल्कुल सच है। हम अपने माइंड को ऐसा मजबूत बनाएं कि हम मोबाइल एडिक्शन से बच सकें। हम केवल ऐसे चीज़ों के लिए ही मोबाइल का यूज़ करें जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। अब हम इंस्टाग्राम पे बिजी हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, और उस चीज़ को हम करते जा रहे हैं, ये सब क्या है? इन सबसे हमारा टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। YouTube पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, Facebook पे आ रहे हैं, फोकट में मतलब वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, हम अपनी लाइफ को कहाँ मतलब यूं ही अपने लाइफ की जो अपना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करने के बजाय यूं ही अपने टाइम को हम फेंक दे रहे हैं, मतलब कि हमारे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम ही तो मनी है।
आज हम अगर टाइम नहीं देंगे अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, तो फिर हमारे पास मनी कैसे आएगा? तो हम एक तरीके से पैसा वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल चलाकर। हमको लग रहा है कि हाँ एंटरटेन हो रहे हैं माइंड, क्योंकि हमारा माइंड की जो प्रैक्टिस हो गई उसी पे हम सेट हो चुके हैं। हमारे माइंड को चीज़ अच्छी लगने लग रही है, जो चीज़ माइंड को अच्छी लगने लगती है फिर हमारा माइंड उसी को बार बार देखने के लिए हमें उत्तेजित करता है, एक्साइटेड करता है, उसी को तो एडिक्शन बोलते हैं। तो हम क्यों ना अच्छी चीज़ों की एडिक्शन पालें। हम जल्दी सोने की एडिक्शन पाल सकते हैं, हम जल्दी उठने की एडिक्शन पाल सकते हैं, हम सुबह में मॉर्निंग वॉक करने की एडिक्शन पाल सकते हैं, हम अच्छी पढ़ाई करने की एडिक्शन डाल सकते हैं। तो ये सब एडिक्शन हमें आगे बढ़ाएगी, ये सब एडिक्शन हमें नीचे नहीं गिराएगी। तो हमें इन चीज़ों का एडिक्शन करना है और हमें उन सारी बुरी चीज़ों का एडिक्शन छोड़ना है। केवल मोबाइल ही नहीं, और बहुत सारी एडिक्शन ऐसी हैं जो बुरी हैं, लेकिन मोबाइल एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, एक बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज में। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा, आप समझ भी रहे होंगे, आपको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आपको ये पता भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कितने लोगों के साथ हो रहा, भाई मेरे साथ भी ये चल रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, खासकर मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए। तो हमें क्या करना, हमें अच्छी एडिक्शन पालनी है। अच्छी एडिक्शन हम पालेंगे तो हमारा उसमें नुकसान नहीं, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अच्छी एडिक्शन पालें, और मोबाइल के बहुत सारे अच्छे यूज़ हैं, तो हम क्यों ना अच्छे यूज़ के लिए उसको यूज़ करें। और इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ऐसे यूज़ है जिससे हमें मोबाइल से फ़ायदा हो सकता है, और इन चीज़ों को हम समझ भी सकते हैं। अपने माइंड में हमें इन चीज़ों को बैठाना पड़ेगा कि हाँ क्या ऐसा कौन सा चीज़ ऐसे, कैसे मैं मोबाइल को किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ कि हमारा फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल पे बहुत सारा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द मोबाइल, मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमको पता है। और लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग बिलीनियर्स मिलीनियर्स होते जा रहे हैं इस मोबाइल से ही। टेक्निकल गुरुजी देख लीजिए आप, ध्रुव राठी का वीडियोज़ देख लीजिए आप, राउंड टू हेल देख लीजिए, सब क्या मोबाइल से ही तो सब सारा हो रहा है इनका काम, और मोबाइल से ये कितने आगे चले गए। तो हम क्यों ना हम अपना एक चैनल क्रिएट करें मोबाइल पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आए हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। मैं तो यूट्यूब पे इसीलिए आया हूँ कि मैं अपनी स्किल्स बढ़ा सकूँ, मैं क्योंकि मुझे हेजिटेशन होता है किसी के सामने बात करने के लिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया, और मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। आपको मेरी बात से लग भी रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और प्लीज़ कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई एक बंदा भी मेरी इस वीडियो से अगर फ़ायदा उठा ले, मोबाइल से बच जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल हो गई। तो प्लीज़ आप मोबाइल एडिक्शन से बचें, और लोगों को भी बचाएं, और अपने समाज को हेल्दी रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।